जेरूसलम दुनिया की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट सिटी होने के साथ साथ दुनिया के तीन मेजर रिलीजन्स के कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर भी है। जेरूसलम को हिब्रू में यरूशलम और अरेबिक में अल कुद्स भी कहा जाता है। जेरूसलम दुनिया के तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स की होली साइट भी है। इब्राहिमिक रिलीजन्स वो होते हैं जिनकी रूट्स अब्राहम से जुड़ी है, जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। और इन तीनों रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स में ही अब्राहम का जिक्र आता है, जैसे क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में अब्राहम कहा जाता है, इस्लाम में प्रॉफेट इब्राहिम कहा जाता है। जेरूसलम में तीनों रिलीजन्स के इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस पूरे एरिया को समझना होगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पूरा प्लाजा जिसे टेंपल माउंट और हरमल शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो गोल्डन कलर का जो ये डोम है, इसे डोम ऑफ द रॉक और अरबी में कुब्बत सखरा भी कहा जाता है, और ये ग्रे कलर में जिसे अलक्सा मॉस्क या किबली मॉस्क भी कहा जाता है, और इधर साइड में वेस्टर्न वॉल और इधर ईस्ट में गोल्डन गेट जिसे ईस्टर्न गेट भी कहा जाता है। और इस कॉम्प्लेक्स के जस्ट 2 किलोमीटर के फासले पर है चर्च ऑफ द सेपल्कर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो होली साइट्स हैं ये किस रिलीजन के लिए क्या महत्व रखती हैं, और ये तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स इन साइट्स पर क्या दावा करते हैं। अकॉर्डिंग टू जुडाइज्म, किंग डेविड ने 1000 BC में जेरूसलम को कैप्चर किया था और जूज किंगडम का पहला कैपिटल बनाया। साथ साथ आपको एक बात और बताता चलूं, किंग डेविड का जिक्र इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में भी है। इस्लाम के हिसाब से किंग डेविड को दाऊद के नाम से जाना जाता है, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में डेविड के नाम से। हिब्रू बाइबल के हिसाब से किंग डेविड ही आर्क ऑफ द कवनेंट को इजिप्ट से जेरूसलम लाए थे। माना जाता है आर्क ऑफ द कवनेंट एक गोल्ड चढ़ा हुआ एक वुडन चेस्ट है जिसमें गॉड द्वारा मोसेस को दिए हुए गोल्डन प्लेट्स या स्टोन टैबलेट्स हैं जिसमें 10 कमेंडमेंट्स लिखे हैं। और इस आर्क ऑफ द कवनेंट को रखने के लिए डेविड के बेटे किंग सोलोमोन ने एक टेंपल बनवाया था जिसे आज हरमल शरीफ या टेंपल माउंट भी कहा जाता है। लेकिन 586 BC में बेबीलोनियन के किंग नेबूकदनज़र II ने इस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। 516 BCE में जूस द्वारा एक और टेंपल बनवाया गया जिसे द सेकेंड टेंपल का नाम दिया गया। फिर 70 AD में इस टेंपल को भी रोमन एम्परर टाइटस द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू हिब्रू बाइबल, गॉड के कहने पर अब्राहम अपने बेटे आइजैक को सेक्रीफाइस करने के लिए माउंट मोरिया पर लेकर गए, और इस माउंट मोरिया को जूस होली ऑफ द होलीज कहते हैं। साथ साथ आपको एक बात और बताता चलूं, ऐसा ही एक सेम कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, प्रोफेट इब्राहिम अपने बेटे इश्मील को सेक्रीफाइस करने के लिए लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पर एक लैम्ब को सेक्रीफाइस किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ प्रोफेट इब्राहिम की गॉड के प्रति डिवोशंस का एक टेस्ट था। इसी की याद में मुस्लिम्स द्वारा ईद उल अधा का फेस्टिवल मनाया जाता है। नाउ बैक टू द पॉइंट, सो जूस द्वारा क्लेम किया जाता है कि माउंट मोरिया होली ऑफ द होलीज इस डोम ऑफ द रॉक के नीचे है, इसीलिए जूस इस साइट पर अपना क्लेम करते हैं। वहीं इस्लाम के हिसाब से जब प्रॉफेट मोहम्मद ने मक्का से जेरूसलम की ओवरनाइट जर्नी की थी, मिरेकुलस नाइट जर्नी और अल इसरा वल मेराज भी कहा जाता है, प्रॉफेट मोहम्मद ने बुराक नाम के क्रीचर की मदद से ये जर्नी की थी, और जेरूसलम पहुंचकर उन्होंने अल अक्सा मॉस्क में अदर प्रॉफेट्स को प्रेयर लीड कराई थी, यानी नमाज पढ़ाई थी। इस्लाम में मस्जिदुल अक्सा को मक्का मदीना के पास 3rd होलीएस्ट साइट माना जाता है। प्रॉफेट मोहम्मद फिर कुब्बत सखरा यानी डोम ऑफ द रॉक से जन्नत की तरफ गए थे, इसीलिए मुस्लिम डोम ऑफ द रॉक को अपनी होलीएस्ट साइट क्लेम करते हैं। अब बात करते हैं चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के बारे में। ये चर्च 326 AD के आसपास क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन द फर्स्ट ने बनवाया था। ये चर्च क्रिश्चियनिटी की मोस्ट होलीएस्ट साइट है। ये चर्च टेंपल माउंट से जस्ट 2 किलोमीटर के फासले पर लोकेटेड है। इस चर्च में 2 पवित्र स्थान हैं, एक वो जहां जीजस को क्रूसीफाई किया गया था जिसे कैलवरी के नाम से भी जाना जाता है,
और एक टूम्ब है जहां जीजस को बियरिड किया गया था और रिजरेक्शन भी वहीं हुआ था। बात करते हैं वेस्टर्न वॉल के बारे में। जूस का सेकेंड होली टेम्पल जो रोमन्स द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ये वॉल उसका ही एक रेमिनेंट बताई जाती है, यानी उसका ही एक अवशेष बताया जाता है। और कुछ जूस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्पल माउंट में जाना या वहां प्रे करना जूस के लिए फॉरबिडन है। और ये वॉल उस लोकेशन के बहुत नज़दीक मानी जाती है जहां टेम्पल हुआ करता था, इसीलिए जूस इस वॉल पर प्रेयर करते हैं। अब बात करते हैं गोल्डन गेट की। इस गेट को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ईस्टर्न गेट, गोल्डन गेट, गेट ऑफ मर्सी, शूशन गेट। वैसे तो हिस्ट्री में अलग अलग रूलर्स द्वारा इस गेट को कई बार सील्ड और ओपन किया गया है, लेकिन लास्ट टाइम जो इस गेट को सील किया गया था वो ऑटमन सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट द्वारा 1541 में किया गया था। तो तभी से ये गेट वॉल्ड अप है और इस गेट के आगे एक मुस्लिम कब्रिस्तान है। और ये गेट तीनों ही रिलीजन्स के लिए सिग्निफिकेंस रखता है। इस गेट का फेस माउंट ओलिव की तरफ है। अकॉर्डिंग टू जुडाइज्म, जूस का मानना है कि जूस के एक मसाया आएंगे जो ओलिव माउंट से होते हुए सीधा इस गेट के अंदर से हरमल शरीफ यानी टेंपल माउंट के अंदर दाखिल होंगे, क्योंकि इस गेट की डायरेक्शन सीधी उस लोकेशन पर है जहां जूस का टेंपल हुआ करता था। और फिर उसी लोकेशन पर तीसरा टेंपल बनाया जाएगा और फिर जूस का रूल होगा। बात करते हैं अल अक्सा मॉस्क की। सोर्सेस की अगर माने तो सबसे पहली मॉस्क का कंस्ट्रक्शन मुस्लिम के सेकंड कैलिफ उमर बिन अल खत्ताब ने कराया था, और उसके बाद उमायद रूलर्स ने भी मॉस्क की बिल्डिंग को एक्सपेंड किया था। और जो आज हम जो ये मॉस्क देखते हैं और डोम ऑफ द रॉक, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन अब्दुल अल मलिक ने शुरू किया था और इनके बाद इनके बेटे अल वलीद के टाइम में पूरा हुआ था। बताया जाता है इस मॉस्क को कई बार रिनोवेट किया जा चुका है कि अर्थक्वेक में भी इस मॉस्क को नुकसान पहुंचा था। अबासीद, फातिमिद, अयूबी, ममलुक, ऑटमन, इन रूलर्स के शासनकाल में भी इस मॉस्क में रिनोवेशन होता रहा है। सो तीनों ही इब्राहिमिक रिलीजन जेरूसलेम और इन होलीएस्ट साइट पर अपनी अपनी मान्यताओं और सिग्निफिकेंस का दावा करते हैं, इसीलिए रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस देखने को मिलते हैं। वैसे बताया जाता है कि इसका एक कारण जियोपॉलिटिक्स भी है, क्योंकि जहां पर कंट्रीज के बॉर्डर डिस्प्यूट हो या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो, यहां पर पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वैसे मैं इसराइल पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये थी जेरूसलेम से जुड़ी कुछ छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।